अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आई नो वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायन एंड कंपनी। और फन टाइम विद शायन एंड कंपनी की है जी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी जानिब से और मेरी दिल की गहराइयों से आप लोगों को ईद मुबारक, और साथ साथ कलेजी मुबारक, साथ ही साथ जी बिरयानी मुबारक, बड़ा कुछ मुबारक हो। इसके साथ साथ मैं सिर्फ अकेला नहीं आया, मेरे साथ दो बकरियां और एक बकरा। ओहो यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। असल में हुआ ये है कि नहीं, ये जो बकरा ईद का जो सीजन है ना, वो ऐसा सड़ चढ़ के बोलता है कि हर एक के जबान पे बकरा बकरी और गाय आ रहा होता है। तो जनाब ये था स्लिप ऑफ टंग। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक लड़का और दो लड़कियां जिनके नाम हैं अली खान तरीन, अनम तारिक और नादिया सबा। तो आप तमाम लोगों को भी मेरी जानिब से भाई ईद मुबारक और वेलकम, खुश आमदीद जी आया नू आप लोगों को शो में। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम शायान एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, एंड मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक आप सबको भी और शायान आपको भी। और कैसी रही आपकी ईद अब तक? जी जनाब, मेरी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है। आप बताइए कि आपकी कैसे गुजर रही है। पहले एक काम करते हैं कि हम इन दोनों से पूछते हैं, अनम आपकी कैसे गुजर रही है ईद? अस्सलाम वालेकुम शायान, बिल्कुल बहुत अच्छी गुजर रही है मेरी ईद। इस ईद पे तो हम 10 दिनों से एंजॉय कर रहे होते हैं जब कुर्बानी के जानवर हमारे घरों में आ जाते हैं। ठीक कहा, ये क्या खूब कहा आपने वैसे। और जैसे छोटी ईद पे बच्चों की ईद होती है, इसी तरीके से इस ईद पे भी बच्चों की ये तफरी होती है कि भाई उनकी कोशिश ये होती है कि भी जानवर सबसे पहले हमारे घर पे आ जाए और काफी दिनों पहले आ जाए ताकि हम उसके साथ खूब हल्ला गुल्ला करें, खेलें, उसको घुमाएं, उसको खाना वाना खिलाएं, चारा खिलाएं। तो अली भाई, इस रसना में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले जी आप तमाम लोगों को और उसके बाद मेरे तमाम लिसनर्स को ईद मुबारक। सर क्या सुनना चाहेंगे आप मुझसे इस हवाले से कि ईद में क्या एक्टिविटीज होती हैं या मेरी ईद कैसी गुजर रही है? दोनों बता दें अली भाई, हमें तो सभी जानना है। सर मेरी ईद तो बहुत जबरदस्त गुजर रही है। बकरा ईद की खास बात ये होती है कि आपको हल्की हल्की थकन भी हो रही होती है, खाने पीने को भी हर जगह से मिल रहा होता है और आपको बहुत सारी यू नो एंटरटेनमेंट होती है। हमारे यहाँ जो कल्चर है गली मोहल्लों में बकरा ज़िबा करने का और गायें ज़िबा करने का, वो एक मेला सा सा समां होता है और लोग देख रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। सो अनम आप बताएं क्या सूरत हाल है आपके साथ, कितने जोड़े आपने बनाए? लोग बकरा ईद पे भी अच्छी खासी शॉपिंग कर रहे होते हैं, जोड़े बना रहे होते हैं, और किस कलर का सूट बनाया आपने? बिल्कुल, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ड्रेसेस तो लेने ही होते हैं। और इस बार इस ईद पे मैंने पिंक कलर का ड्रेस बनाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये ईद तो असल में कुर्बानी के जानवरों से होती है, और आपको पता है मैंने सुना है कि बहुत महंगे महंगे जानवर होते हैं, 40-40 लाख के भी होते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बैल जो है वो 40 लाख का था। अनम ये तो अब आपने बहुत पुरानी बात कर दी, आप शायद आपका साबुन स्लो है। अब तो ये एक्सीड कर गया है और तकरीबन 5 करोड़ तक पहुंच गया है और जानवर अब तो 5-5 करोड़ तक के भी बिक रहे हैं भाई, और खासतौर पर लोग उनको दूर दराज से देखने आते हैं। अच्छा, जब पता किया जाता है कि भाई इसमें ऐसी क्या खासियत है कि भाई कहीं गोश्त सोने का तो नहीं, तो पता चलता है कि जी उसको देसी घी पिलाया जाता है, बादाम पिस्ते काजू खिलाए जाते हैं। इनकी खुराक जो होती है वो एक आम जानवर से बिल्कुल हटकर होती है, जैसे आम जानवर एक लूसन या चारा या कुछ ऐसा खा लेता है, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। इनके लिए खास तौर पे बादाम होते हैं, देसी घी होते हैं, और बाकायदा इनके लिए पूरी टीम तश्कील दी गई होती है जो इनका ख्याल कर रही होती है, उनको नहला रही होती है, उनको साफ सुथरा रख रही होती है, उनके आसपास के माहौल को साफ रख रही होती है। तो जनाब ये इस तरह इतनी कीमत तक पहुंच जाते हैं, और इतने अरसे से तकरीबन कोई जैसे कहते हैं कि जी 3-4 सालों से इनकी इस तरह परवरिश की जा रही होती है, तो शायद ये वजूहात होती है कि इनकी कीमतें इतनी बुलंद होती है भाई। नादिया आप क्या कहेंगी? बिल्कुल शायान, बिल्कुल ऐसा ही है, और इनकी जो डाइट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आजकल तो जो आम रेट भी जानवर का चल रहा है वो भी इतना हाई है कि आम मिडिल क्लास जो फैमिलीज आई गैस इतना इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो शौकीन लोग हैं वो डेफिनेटली इतने हाई प्राइस के जानवर की तरफ भी जा रहे होते हैं। आई थिंक जब इतना स्पेशल इनकी डाइट होती है तो फिर गोश्त भी कुछ स्पेशल ही होता होगा इन जानवरों का, लेकिन फिर भी जो शौकीन मिजाज लोग हैं उन्हें अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेते भी हैं, फिर उनका ख्याल भी रखते हैं, उन्हें फिर वैसी डाइट भी दे रहे होते हैं, क्यों ना? बिल्कुल सही नादिया, आपने बिल्कुल सही कहा, शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा अनम, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि या बल्कि आप लोग, सिर्फ आप नहीं अनम, नादिया और अली आप भी बताइएगा कि कभी आप लोगों ने ये किया है अपने बचपन में कि भाई ईद कुर्बान पे भी आप लोग अपने बड़ों से ईदी मांग रहे हो कि भाई मुझे इस ईद में भी ईदी दें,
मुझे तो मांगनी नहीं पड़ती, मुझे तो हर ईद पे चाहे छोटे हो या बड़ी मिल जाती है ईदी। अली भाई एक काम करते हैं, हम इन्हीं के पास चलते हैं भाई, इन्हीं के घर पास कहीं घर बना लेते हैं, और जो इनको ईदी देने आएंगे ना वो हम भी इनसे ले लेंगे। हाँ हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा शयान, कि इनके पास से जो ईदी आ रही हो वो हमारे पास भी आ जाए, क्योंकि भाई हमें तो ना मीठी ईद पे सही से ईदी मिलती है और बकरा ईद पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नादिया आपको कितनी ईदी मिलती है? ये तो डिपेंड करता है देने वाले पर ये कि मिलती और जरूर है, नहीं मिलती तो फिर हम ले लेते हैं जबरदस्ती। तो ये दोनों ईदों पे ही मिलती है, बकरा ईद और मीठी ईद दोनों पे? बिल्कुल दोनों पे मिल रही होती है। अच्छा भाई अली भाई, मैंने ना अपनी शो की रवायत को बरकरार रखते हुए एक कसाई को बुलवाया है, जो हमारे समझ लें कि लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं हमारे, ये रेडियो सबका साथ के फैमिली कसाई हैं। तो इनका नाम बब्बन कसाई है, और लास्ट जो मैंने शायद शो किया था उसमें इनके जो भाई आए थे अल्लन कसाई, तो ज़रा इनसे कुछ बातें करते हैं। और नादिया आपके लिए शायद ये फर्स्ट टाइम होगा कि हमारे पास जो बब्बन कसाई हैं, तो इनसे ज़रा आप भी थोड़ी सी चिटचैट कीजिएगा। सही है जी, जरूर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बब्बन कसाई हूँ। अब दो दो दो, दो बात करनी, जिसको जल्दी करनी है जल्दी जल्दी कर लो, वरना मेरे पास टाइम नहीं है भाई। अरे भाई क्यों आप इतने बिजी क्यों हैं? हाँ बब्बन भाई, थोड़ा सा सलाम दुआ कर लेते हैं, इतने बिजीनेस क्या है भाई आपके पास? अरे भाई मैं आप मेरे को ईद वाले दिन उठा के लेके आ गए हो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैंने गाय गिराई हुई थी, उसकी चापे खोल रहा था भी, आपने आपका बंदा आया मेरे को खींच के ले गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप ये बताएं कि सुबह से कितनी गायें गिरा चुके हैं? भाई मैं 50 गायें गिरा चुका हूँ, और 40 बकरे, 40 बकरे गिराए हैं मैंने, और अभी गाय खोल के बैठा हुआ था, उसके उसके नट बोल्ट खोले हुए थे मैंने, तुम लोगों ने मेरे को बुला लिया, ऐसे थोड़ी होता है। बब्बन भाई नट वाह, गाय के गाय थी नट, ये गाड़ी जिसके नट बोल्ट खोले हुए थे हाँ आपने? मैं भी एक्चुअली बिल्कुल यही सवाल था मेरा भी, कि ये गाय थी कि गाड़ी थी कि आपने जो नट बोल्ट खोले हुए थे। अरे अरे तुम समझ नहीं रहे ना भाई, उसकी वो जो वो हड्डियां होती है ना, हड्डियां ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नट बोल्ट से बनी हुई है। ये जो भाई कमजोर सा बंदा है, ये क्या कर रहा है भाई? हेलो, ये कौन है? हाँ जी बब्बन कसाई साहब, यहाँ पे कमजोर तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं सर। अगर 5-10 मिनट हमें दे देंगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, बल्कि आपकी पब्लिसिटी ही होगी। पर मेरे को पता है तुम्हें, मैं कितने पैसे लेता हूँ एक गाय गिराने के। अगर मैं इतनी देर 10 मिनट में यहाँ पर दूंगा ना, मैं 10 मिनट में 5 गाय गिरा सकता हूँ, 2 मिनट में गाय गिरा के भाग जाता हूँ मैं तो फिर। 5 गायें गिरा के आप क्या करते हैं सर, वो तो पूरी कुर्बानी करनी होती है ना। हाँ तो दो 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 मिनट में हो जाती ना मेरी कुर्बानी, हो जाती है 2 मिनट में, बस खत्म। छुरी फेरी उस पे। उन्होंने बताया ना कि उन्होंने तो नट बोल्ट ही खोलने होते हैं। अच्छा सर एक राज की बात तो बताए ना सर, बताएंगे आप? बोलो भाई बोलो। सर, ये 3 दिन में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? अरे अरे ये क्या पूछ रहे मुझसे? ये तो मैंने आज तक अपनी बेगम को नहीं बताया भाई, मैं कैसे कमा लेता हूँ, तो तुम्हें कैसे बता सकता, तुम मेरी बेगम थोड़ी हो। आप बेफिक्र हैं, बेगम आपकी नहीं सुनेगी, उनको सुनने का नहीं नहीं टाइम नहीं भाई मिलेगा ईद पे। भाई ऐसे 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 ईद कैसे पे वो भाई? वैसे ही बहुत मसरूफ होते हैं, टेंशन ही ले। भाई वो मेरी चलिए आप हर अंदाजा नहीं बता दें। भाई वो मेरी हर हर हरकत में नजर रखती है, वो पता नहीं है वो ना, मैं जिस भी शो में जाता हूँ ना, मैं बहुत मशहूर हूँ ना दरअसल, तो वो हर शो को बाद में ईद ईद में बाद में ना वो रिपीट पे देखती है, तो वो जब फिर उसके बाद जब बैठी होती है ना वो, तो वो कैलकुलेटर लेके बैठी होती है, वही जैसे मैं बोलता हूँ वहां पे काउंट कर लेती है, तो फिर मुझसे बोलती है भाई तूने इतना पैसा कमाया मेरे को दे, अब मेरा हिस्सा दे। तो भाई मैं माजा चाहूंगा, ये नहीं बता सकता, आ जाके मैं बता देता हूँ कि तुम आ जाओ, इसमें पैसा भला है भाई, हल्की सी बस गाय गिरानी है, हल्का सा बस बकरा गिराना है, पैसे बहुत। अच्छा बब्बन का सही साहब, मैं जरा दूसरे तरीके से आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, ये बताएं कि एक गाय के आप कितने पैसे लेते हैं? हाँ मैं ये बता सकता हूँ तुमको, तुम अगर अंदाजा कर सको तो कर लो, वरना मैं वो नहीं बता सकते भाई। हाँ जी, तो एक गाय के कितने पैसे लेते हैं, मैं एक गाय गिराने के 40-40 हज़ार रुपये लेता हूँ एक बकरे के कितने पैसे लेते हैं? भाई। बकरा छोटा होता है लेकिन वो थोड़ा सा तंग करता है, तो उसके मैं डबल लेता हूँ, मतलब ज्यादा लेता हूँ, डबल तो नहीं कहेंगे, ज्यादा लेता हूँ, बकरे के मैं 50 हज़ार लेता हूँ। और टोटल गाय और बकरे कितने सेवा करते हैं आप 3 दिन में? भाई ये मुझे ना वो बंदा होशियार लग रहा है ये थोड़ा सा, अरे बब्बन भाई लेकिन अगर होशियार लग भी रहा है तो आप जरा जवाब तो देना, ताकि हम अपने खुद ही एस्टिमेट निकाल लेंगे ना आपका। अरे नहीं नहीं फान भाई, ये मुझे बंदा होशियार लग रहा है, मुझे लग रहा है ये कहीं FBI में काम तो नहीं करता, कल को मेरे पे कोई रेत पड़वा दे,
नहीं अब आ जाए मेरे भाई, ये चाह रहे हैं कि अगर इस फील्ड में आए तो उन्हें नॉलेज तो होना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आएंगे, ताकि ये भी अपना बिजनेस कर सके आपकी तरह। अरे ऐसा नहीं करो भाई, मेरे पे लात नहीं मारो, मेरी रूजी पे लात नहीं मारो, बस छोड़ो ना बस। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत देर हो रही है भाई, मेरी वो गाय भाग जाएगी, फिर वो कटी भी है ना, कटी आपको पता है ना, आज सब गाय भाई भाग जाती है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, भाग जाती है। हाँ चले बब्बन के साथ साहब, बहुत शुक्रिया आप शो में आए, लेकिन मुझसे जो है वो आप पर्सनल पे रब्ता कीजिएगा, मैं फिर एस्टिमेट लगवाता हूँ आपसे, और अगले साल फिर आपके आपके हम कदम आ जाऊंगा, और इस साल आपसे ट्रेनिंग ले लूंगा, क्या ख्याल है? अली इससे तो मुझे एक आइडिया आया, हम इन्हें गेस्ट स्पीकर की तरह बुला सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में, ये बहुत अच्छे आइडियाज दे सकते हैं इस किस्म के कसाई वाले बिजनेस को चलाने के लिए। हाँ दैट्स अ ग्रेट आइडिया ना, और हम इस पे काम करते हैं, और इनसे जरा मैं सेटिंग बनाता हूँ कोई, और इनसे खुद भी सीखता हूँ, दूसरों को भी सिखवाता हूँ, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। अरे अरे तुम तो भाई मेरे को मुझे मशहूर करने पे तुले हुए हो, मैं पहले बहुत मशहूर हूँ, नहीं करो भाई, मुझे नहीं करो, चलो मैं निकल रहा हूँ भाई, तुम सब लोगों को चले बब्बन, ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो में। बब्बन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आते रहिएगा। तो जनाब ये थे हमारे बब्बन कसाई साहब, और लिसनर्स आप हमें सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे, फन टाइम विद शायान एंड कंपनी, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। और हमारे पास जो पिछले शो के कमेंट्स हैं वो थोड़े बहुत मैं शामिल करना चाहूँगा। रोमान सलीम हैं जिसमें, साकिब रजा हैं, साजिद महमूद हैं, बिलाल हैं ये, और तैयब हैं हमारे पास सुनने वालों में, निमराज खालिद ने हमें सुना है, और हमारा चौधरी साहिबा ने सुना है, और सब ने हमें बहुत बहुत कहा है कि जी ईद मुबारक भी, और ये भी कहा है कि जी शो बहुत अच्छा जाता है, और आपकी शो की जो जान होती है वो करेक्टर होता है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नादिया आप बताएं कुछ जाते जाते, क्योंकि अब हमारे पास वक्त हो गया है कुछ कम, तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने लिसनर्स के साथ? जी बिल्कुल शायान, और मैं कहना ये चाहूंगी कि सब लोग जो जो कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे, और अपने और अपने रिश्तेदारों में गोश बांटने के साथ साथ उन लोगों का भी जरूर ख्याल करें कि जो कुर्बानी को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनका एक हिस्सा मखसूस है कुर्बानी के अंदर, तो अपने ईद गिर्द मौजूद उन तमाम लोगों का ख्याल कीजिए गोश बांटते हुए, और उस इस ईद को उनके लिए भी बिल्कुल एक ईद की तरह आप अपने एंड से कर सकते हैं कि वो भी ईद को गोश इंजॉय करते हुए बड़ी ईद का मजा ले सकें। जी नादिया बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, और इसकी कंटिन्यूएशन में मैं ज़रूर कहूँगा कि ईद का दिन है और कुर्बानी हर जगह जारी है। तो पिछले सालों में 2020 के बाद कोविड आया, कोविड के बाद बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, तो ख़ास तौर पे अपने चाहने वालों का और ऐसे लोगों का जो कि मुस्तहिक हैं उनका बहुत ख्याल रखना है अपने ईद के दिनों में भी और उसके बाद भी, और ईद की खुशियाँ बांटनी है अपने सबके साथ। मेरी जानिब से एक मर्तबा फिर आप तमाम लोगों को ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज। बिल्कुल अली की बात को कंटिन्यू करते हुए, ये तो हम सभी कहते हैं कि कुर्बानी करते वक्त अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, ये तो आप करें ही। उसके अलावा मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती, हम अल्लाह की राह में कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। तो सिर्फ इस ईद के दिन को कुर्बानी का दिन ना समझा जाए, बल्कि पूरा साल कुछ ना कुछ कुर्बान करके हम इस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो कि हम कुर्बान कर सकते हैं, तो हमें इस चीज को प्रैक्टिस में रखना चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, मेरी तरफ से भी आपको अल्लाह हाफिज, टेक केयर। थैंक यू अनम एंड थैंक यू अली फॉर बीइंग हियर विद अस, और ईद की ट्रांसमिशन में लिसनर्स आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सी ईद की खुशियां आप तमाम लोगों को मुबारक हो, और ना सिर्फ ईद की खुशियां खुद इंजॉय करें बल्कि मुस्तहकीन में भी उनका हिस्सा बांटिए, और इसके साथ साथ SOPs का भी ख्याल रखिए, और साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये शहर गलियां ये सब हमारी हैं, तो जहां हमें कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करते हुए ये जगह इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली इन्हें साफ रखना भी फिर हमारा ही फर्ज है। नाउ मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज एंड ओवर टू शायान। तो जनाब आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ साथ हमारे लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ तक सुना, और सब ने अपने अपने पैगाम दे दिए। और मैं नादिया की बात को कंटिन्यू करूंगा कि जनाब बिल्कुल सही कह रही हैं कि SOPs का ख्याल रखिए, अभी तक हमें कोरोना से मुकम्मल निजात नहीं मिल पाई है, तो SOPs का ख्याल रखते हुए और साथ साथ ही आपने सफाई का भरपूर ख्याल रखना है,
और जितनी भी जो बकाया जात होती हैं जानवरों की उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि शहर को साफ रखें, गलियों को साफ रख सकें और अपने घर को भी साफ रख सकें, क्योंकि ये हमारा घर है। तो जाते जाते मेरी तरफ से भी दोबारा से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक, अपनी ईद की खुशियों में तमाम लोगों को शामिल रखिएगा। जाते जाते वही बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत तोड़िए, क्योंकि दिल में रब रहता है और रब जहां पर रहता है उस जगह को तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगले शो तक के लिए आप तमाम लोगों से अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। यार।